झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी है कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है, लेकिन किस राज्य के लिए यह बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगाल ओडिशा ने आज तक हिंदी को अपनाया नहीं है, यहाँ तक कि बिहार में भी यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी बोली है ना कि कोई भाषा है, यही वजह है कि इसकी विधिवत रूप से पढ़ाई नहीं होती है। मैं तो इतना पढ़ाकू हो गया, पहले था लड़ाकू, अभी तो मैं पढ़ाकू हो गया। मैंने किया लड़ाकू, मैंने किया लड़ाई का, आजसू का नेतृत्व का लड़ाई। अभी पढ़ के ज्ञान आया कि संविधान के आर्टिकल 210 में प्रोविजन है कि विधानमंडल में, विधानसभा में अपना भाषा में, अगर राज उस राज्य के राजभाषा में अगर बोल नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस सदन में स्पीकर महोदय माननीय विधायकों को अपने मातृभाषा में बोलने का इजाजत देगा। ये देयर इज ए प्रोविजन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 210 में प्रोविजन है 2010 में। तो आप तो वहाँ कुटवाली बोल सकते हो, एक MLA, आप तो कोठा बोल सकते हो, आप तो नागपुरी बोल सकते हो, पंच परगनिया बोल सकते हो, संथाली बोल सकते हो, आप तो हो भाषा बोल सकते हो, मुंडा भी बोल सकते हो। आप लोगों को याद है कि नहीं? मुझे याद है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जब राज्यसभा सदस्य चुना गया तो राज्यसभा में रामदयाल मुंडा कौन भाषा में शपथ ले लिया जी? मालूम है? संथाली। ये मालूम होना चाहिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा मातृभाषा मुंडारी होने के बावजूद डॉक्टर रामदयाल मुंडा लोकसभा राज्यसभा में अपना शपथ ग्रहण किया। लेकिन ये उल्लू का पट्टा, ये बेकूफ, ये बाप बेटा संताली में वोट मांगता, संताल को बेकूफ बनाता है और शपथ ग्रहण हिंदी में लेता। हिंदी उसका बाप का भाषा है क्या? हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकता है, किसी राज की बाध्यता नहीं है, संविधान में प्रोविजन है। अगर हिंदी बाध्यता होता तो बंगाल में हिंदी कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी बाध्यता होती तो उड़ीसा में, बंगाल में 1905 में अलग राज्य बना, बंगाल अस्तित्व है। और ये 1905 से लेकर के बंगाल में बंगाली आज तक हिंदी को एडॉप्ट नहीं किया, इसको हटा ही दिया, एकदम नहीं है। हम चैलेंज करते हैं इस बात को, संवैधानिक बात पे, बहस पे नहीं, लड़ाई पे हो, पढ़ाई पे हो, बहस करते हैं। 1912 में बिहार अस्तित्व में आ गया, लेकिन बिहारी भाषा भोजपुरी है, अपना बोलता होगा, वो भाषा नहीं है, बोली है। कोई भी डायलॉग लैंग्वेज नहीं बन सकता है जब तक वो डायलॉग लैंग्वेज नहीं होता सर्वमान्य, वो लैंग्वेज में लिटरेचर डेवलप नहीं होता, जब तक शिक्षा का माध्यम नहीं बनता, किताब नहीं दिखती है, 8th शेड्यूल जब तक नहीं होता, तब तक तो भोजपुरी अपना बिहार में मान्यता नहीं है। 1912 में बिहार अलग राज्य बना, 1912 से आज तक बता दीजिए, श्री सिंह क्या बोलता है, श्री कृष्ण सिंह से लेकर के कर्पूरी ठाकुर 77 में, और 1980 में जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री, 1990 में लालू प्रसाद यादव, और आज के तारीख में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना। मैं चैलेंज करता हूँ, रिकॉर्ड दिखा दे कि भोजपुरी 1912 में बिहार में आज तक ना 1 शेड्यूल है, ना तो सरकारी भाषा है। यही सस्ता मिल गया, इसीलिए मिल गया।